जम्मू के सुंजवा आर्मी कैंप में सेना ने दो आतंकियों को किया ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद, जैश ए मोहम्मद का झंडा भी मिला। सूत्रों के मुताबिक अब भी आर्मी कैंप में आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सेना की वर्दी में आए थे आतंकी, ऑपरेशन जारी। सुंजवा आर्मी कैंप के फैमिली क्वार्टर में छिपे हैं आतंकी, जान माल के नुकसान से बचने के लिए ऑपरेशन में बरती गई सावधानी। आतंकियों के हमले में सेना के जेसीओ और एनसीओ शहीद, फायरिंग में 9 लोगों के घायल होने की खबर। सेना के मुताबिक घायलों में 5 महिलाएं और बच्चे शामिल, 2 महिलाओं की हालत गंभीर। सेना ने अब तक 150 घर कराए खाली, सभी आतंकियों के पकड़े या मारे जाने तक जारी रहेगा ऑपरेशन। पारा कमांडो के साथ फौज की स्पेशल टीम आतंकियों के खात्मे में मुस्तैद, करीब 17 घंटे से चल रहा ऑपरेशन। सेना के पूरे ऑपरेशन पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की भी नजर, आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को दी पूरी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हमले पर सरकार की पूरी नजर, बोले हमारे जवान बहादुरी से आतंकियों का कर रहे मुकाबला। आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की उच्च स्तरीय बैठक, सुरक्षा को लेकर आला अफसरों के साथ समीक्षा। खुफिया एजेंसियों ने हमले का दिया था अलर्ट, 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच आतंकी हमले की थी चेतावनी। खुफिया एजेंसियों को शक, अफसल गुरु की फांसी की बरसी पर जैश आतंकियों ने रची हमले की साजिश। साल 2013 में 9 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में दी गई थी संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु को फांसी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में मसूद अजहर और हिजबुल चीफ सलाउद्दीन के बीच बैठक में रची गई हमले की साजिश। आज तक के पास साजिश रचे जाने का ऑडियो, जैश सरगना और उसके गुर्गे रऊफ अफगर की बातचीत में अहम खुलासा। हमले को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर का सनसनीखेज बयान, बोले अटैक में रोहिंग्या मुसलमानों का हो सकता है इस्तेमाल। पार्टी विधायक की हरकत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया ने झाड़ा पल्ला, ट्वीट करके लिखा पार्टी अकबर लोन के बयान की करती है निंदा। पश्चिम एशिया के 4 देशों के दौरे पर यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, अबू धाबी में जोरदार स्वागत। कल दुबई में भारतीयों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अबू धाबी मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम में इंटरनेट के जरिए लेंगे हिस्सा। यूएई से पहले फिलिस्तीन में थे पीएम नरेंद्र मोदी, रामल्ला में राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ द्विपक्षीय वार्ता। फिलिस्तीन में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, महमूद अब्बास ने पीएम को ग्रैंड कॉलर अवार्ड से नवाजा। 4 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में ओमान जाएंगे प्रधानमंत्री, स्वागत के लिए शानदार तैयारी। मिशन कर्नाटक पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर लपेटा। राहुल ने कहा झूठे सपने बेचने वालों पर भरोसा करने से नहीं मिलेगा फायदा, कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। राफेल डील पर राहुल ने पीएम को घेरा, बोले कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से लेकर अपने दोस्त को दिया। कर्नाटक में भी राहुल का मंदिर दर्शन जारी, कोप्पल में हलिगेम्मा मंदिर में कांग्रेस अध्यक्ष ने की पूजा। नकल पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले परीक्षा में नकल पर नकेल कसी तो 10 लाख स्टूडेंट्स ने छोड़ दी परीक्षा। हनी ट्रैप में फंसे वायुसेना के अधिकारी अरुण मारवा केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फेसबुक और व्हाट्सएप को भेजी चिट्ठी, मांगी चैट्स की जानकारी। पूछताछ में अरुण मारवा का खुलासा, दिसंबर में शुरू हुई थी फेसबुक मैसेंजर पर ISI की कथित एजेंट से बातचीत। मैसेंजर पर चैटिंग करने के बाद मैसेज डिलीट कर देते थे अरुण मारवा, सूत्रों की खबर, दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक विभाग को भेजा डेटा। अफसर का पूछताछ में खुलासा, सूत्रों के मुताबिक ISI एजेंट को एयरफोर्स की होने वाली एक्सरसाइज की दी थी जानकारी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक और भी अफसरों समेत कई लोगों से हो सकती है पूछताछ, फर्जी फेसबुक आईडी से जुड़े हैं कई और अफसर। दिल्ली के एक पार्क में लड़की की लाश से हड़कंप, झाड़ियों में मिले शव से धड़ गायब। दिल्ली के मयूर विहार में चंदे के बहाने लुटेरों ने एक बुजुर्ग महिला को लूटा, लाखों के गहने लेकर फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से भिड़ंत, गोलीबारी में एक अपराधी घायल। झारखंड के लातेहार में लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। पंजाब के फजिलका में BSF के हत्थे चढ़ा पाकिस्तानी तस्कर, जवानों ने एक को किया ढेर, 1 गिरफ्तार। देहरादून में कातिल निकली सौतेली मां, 21 साल की बेटी की गर्दन काटकर हत्या। हरियाणा के झज्जर में टोल नाके पर सरेआम गुंडागर्दी, टोल मांगने पर गाड़ी से कुचलने की कोशिश। फरीदाबाद में घर में घुसी बेकाबू कार, हादसे में 1 की मौत, 3 जख्मी। राजस्थान के बांसवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूल बस की डंपर से टक्कर में एक छात्रा की मौत। उत्तराखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, देहरादून में चेकिंग में पकड़ी गई 285 पेटी शराब, 6 लोग गिरफ्तार।
दिल्ली में सड़क हादसे में एक की मौत, 7 घायल, ट्रक से टकराई तेज रफ्तार सूमो। आगरा में टोल प्लाजा पर टला बड़ा हादसा, ट्रक से टोल वसूलते वक्त तेज रफ्तार बेकाबू कार की टक्कर, बाल बाल बची कर्मचारी की जान। राजस्थान के झुंझुनू में बैंक लुटेरों को पुलिस ने मौके से दबोचा, शटर टूटने की आवाज सुनकर पड़ोसी ने दी थी पुलिस को जानकारी। कानपुर में एक एटीएम से निकले फर्जी नोट, 2 ग्राहकों की शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पानी की पाइपलाइन बिछाने पर हंगामा, विभाग की अनदेखी पर लोगों ने की तोड़फोड़। बिहार के गया में एटीएस और एनआईए की टीम ने एक आतंकी को दबोचा, बोध गया धमाके से जुड़े हतार। यूपी के जौनपुर में अपना दल के विधायक की गाड़ी की चपेट में आने से छात्र की दर्दनाक मौत, सड़क पर लोगों का हंगामा। बाराबंकी में सड़क हादसे में मां बेटी की मौत, नाराज परिजनों ने हाईवे पर लाश के साथ किया प्रदर्शन। गाजियाबाद के लोनी में नोटों की माला से एसएचओ का स्वागत, गदगद दिखाई दिए कोतवाल। जेएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी की नई अटेंडेंस नीति को लेकर नाराज। ताजमहल के मुख्य गुंबद पर ड्रोन की उड़ान से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियों ने घंटों तक चलाया सर्च ऑपरेशन। ऑटो एक्सपो में पहुंची बॉलीवुड हीरोइन तापसी पन्नू, होंडा बाइक के साथ समझाई सड़क सुरक्षा की अहमियत। ऑटो एक्सपो में ऑफ रोड अनुभव के लिए जेके टायर्स की अनोखी पहल, गाड़ी में बैठकर पथरीले रास्ते का अनुभव ले रहे लोग। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में रामदेव एक संघर्ष का मेगा प्रीमियर, अमित शाह समेत कई दिग्गज हस्तियों ने लिया हिस्सा। दिल्ली एनसीआर में आनंदा डेयरी ने एक साथ खोले 100 से ज्यादा काउंटर, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। जोहानिसबर्ग वनडे में भारत का स्कोर 6 विकेट पर 260 के पार, धोनी 26 रन बनाकर क्रीज पर। जोहानिसबर्ग वनडे में ओपनर धवन का धमाल, वनडे करियर का 13वां शतक जड़ा, 105 गेंद में 109 रन बनाकर हुए आउट। कप्तान कोहली ने भी खेली 75 रन की शानदार पारी, धवन के साथ निभाई 158 रन की साझेदारी। फिर फ्लॉप हुए रोहित शर्मा, 5 रन बनाकर लौटे पवेलियन, रहाणे भी 8 रन बनाकर आउट, हार्दिक पांड्या ने 9 रन बनाए। एंगिडी और रबाडा को 2-2, मकेल और मोरिस को मिला 1-1 विकेट। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।